हो जाती है। प्लीज आ जाओ जल्दी। खुद बिरयानी की पैकेटें भी बांटी जाती है, क्या हुआ पीछे जेब में पिलाया भी जाता है, कुछ जेब में डाला भी जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद है ये अपने दिल से आए हैं, और मेरा ये सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर आपके आने का मकसद यहाँ पर क्या है? क्या आप अपनी हुकूमत चाहते हैं? क्या आप अपनी हुकूमत चाहते हैं या किसी की भीख चाहते हैं? बताइए। अगर आपको अपनी हुकूमत चाहिए तो मांगने वाले मत बनो बल्कि छीनने वाले बनो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तारीख कह रही है, क्योंकि मांगने वाला भिखारी होता है और छीनने वाला अपना हक लेता है। आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको अपने हक के लिए आगे बढ़ना है, और आपका अपना हक इस मुल्क की आजादी के 60 साल बाद से आज तक नहीं दिया गया। अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, क्या आपने कभी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सोचा कि नहीं सोचा? क्या आप जब बीमार पड़ते हैं तो अच्छे दवाखाने में बताना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्या वो तमाम सुविधाएं जो एक मखसूस तबका अपने हाथ पर कब्जा करके बैठा है, क्या आप ये सब चीजें नहीं चाहते? और ये भी बताइए कि आपको ये मिला है, ये आपको आने वाले 60 साल तक नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मांग रहे हैं, आप छीन नहीं रहे हैं। आपको अपना राज अधिकार लेना पड़ेगा, आपको सियासत में अपना वजन बताना पड़ेगा। इन 60 सालों में जिस तरह मेरे एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज और बिलखुसूस मुसलमानों को जो बर्बाद किया गया, इनकी वक्त जायदादें लूटी गई, इन पर कब्जे किए गए, इन्हें कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट घरानों को बेचा गया, और आप देखते आ रहे हैं, आप क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या हिसाब लगा रहे हैं कि क्या हम हुकूमत में आ सकते हैं? दिल्ली में कोई एक आम या खास या कोई गैर कोई एक पार्टी उठकर आ जाती है और वो आपके अपने दिए हुए रिजर्वेशन के ऊपर हमला करती है, और आप देखते रह रहे हैं। रिजर्वेशन छीनने की बात चल रही है, क्या आपको अभी भी होश नहीं है कि आपको अपनी जमात से जुड़ना है, आपको बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना है, आपका अपना तहफ्फुज़, आपके अपनी जानों की हिफाजत, आपका अपना सम्मान, आपकी इज्जत, सब कुछ बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी है, और बहुजन समाज पार्टी के लीडर सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती इसे लेकर आगे बढ़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के जितने कैंडिडेट्स आपकी अपनी रियासत आंध्र प्रदेश में है, आप इन्हें कम नहा किए, ये किसी से कमजोर नहीं, ये सबके बराबर है। ये आपको नोट नहीं देंगे, ये आपको बिरयानी की पैकेट नहीं देंगे, बल्कि ये आने वाले 5 साल आपकी खिदमत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। 500 रुपए और 1000 रुपए में वोट बिकता है, 5 साल में कैलकुलेशन करिए 18 से 25 दिन होते हैं, फिर उसको 500 रुपए से कैलकुलेट करिए 27 पैसे रोज के बनते हैं। क्या आप 27 पैसे में अपने वोट को बेच रहे हैं? क्योंकि भिखारी 1 रुपया से कम नहीं लेता, 8 आने की करंसी बंद हो चुकी है। क्या आप भिखारी से 70 हो चुके हैं क्या 27 पैसे में अपना वोट बेच रहे हैं? हम बेचने वाले नहीं बल्कि छीनने वाले हैं। हम बेचेंगे नहीं बल्कि छीनेंगे, हम वो चीज छीनेंगे जिसके जरिए हमारे तमाम मसाइल हल होंगे। बाबा साहब का एक मशहूर स्लोगन है, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स। आप सब जानते हैं
फिर खामोश क्यों है? उठ खड़ा होइए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार।